नमस्कार जी। तो जो ये हम एक सीरीज चला रहे हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वाली, इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चार पांच दिन का गैप हो गया बीच में, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, आवाज़ बराबर आ नहीं रही थी, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी टू माई सेल्फ, जो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। आज आप लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव सुनाना चाहता हूँ। सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में देखा सच्चा प्यार, और जो मैंने देखा मेरे पूरे परिवार ने देखा, मेरे पूरे गांव ने देखा। तो आज की जो कहानी जो मेरे साथ हुई रियल लाइफ में, आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है सन 2003 की। 11 जनवरी 2003 को मेरी दादी जी का देहांत हो गया। वो ईश्वर के पास चली गई, उन्हें ईश्वर के पास, ईश्वर ने बुला लिया उन्होंने उन्हें अपने पास। बहुत दुखद समय था वो हमारे परिवार के लिए, लेकिन ये एक यथार्थ सत्य है कि जो भी इस धरती पर आया है वो जाएगा, और हम सब ने एक दिन ईश्वर के पास जाना है। यही यथार्थ सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। और हुआ कुछ इस प्रकार की उसके ठीक 23 दिन के बाद 2 फरवरी 2003 को शाम की बात थी, और हमारे दादाजी जिनको मैं बाबा बोलता था, बाबा बोलते थे हम सब लोग, बाबा बाबा, तो हमारे बाबा बैठे हुए थे। और हमारे बाबा ने, छोटा सा गांव है हमारा, अटेर नाम है हमारे गांव का, मध्य प्रदेश में एक जगह है, बहुत छोटा सा गांव, बहुत कम आबादी है वहां की। तो शाम को बैठे हुए थे बाबा, और बाबा ने गांव वालों से बोला कि अरे भाई, जिस जिसको मुझसे मिलना हो मिल लो, क्योंकि कौशल्या मेरी दादी का नाम, तो कौशल्या मुझे बुला रही है, वो अकेले रह नहीं पा रही है मेरे बिना, तो मैं कल सुबह किसी से मिल नहीं पाऊंगा, तो मैं सुबह चला जाऊंगा, तो जिस किसी को मुझसे मिलना है आज मिल लो मुझसे। तो लोग हंसने लगे, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, पूरा जो हमारा गांव है अटेर, उनको चाचा चाचा बोलता है, बाबा को हमारे चाचा बोलते थे वो, और हमारी दादी को बुआ बोलते थे, कुछ इस तरीके के रिश्ते थे। तो सब लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे कि अरे चाचा, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ आपको बुला लेंगी बुआ, और कैसे आप कैसी बातें कर रहे हो। इस तरीके से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो हमारे बाबा ने हमारी चाची से बोला कि मुझे आज शाम को रबड़ी और पराठे देना, उनको बहुत प्रिय था रबड़ी के साथ पराठे खाना, तो रबड़ी और पराठे चाची उनको खिलाए, और वो सो गए। और ये सत्य है कि अगले दिन वो सुबह नहीं उठे। तो उन्हें दादी ने अपने पास बुलाया, दादी उनके बिना नहीं रह पा रही थी, या हमारे बाबा अपनी दादी के बिना नहीं रह पा रहे थे, हमारी दादी के बिना नहीं रह पा रहे थे। और इतना प्रेम, ये प्रेम की सच्ची कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी कि किस तरीके से जो है सो उनको दादी और बाबा अलग हुए और वापस से वो एक हो गए कुछ 23 दिनों के अंतराल में। तो ईश्वर हम सबको ऐसा प्रेम प्रदान करे। और ये एक सच्चे प्रेम की कहानी जो मेरे जीवन में मैंने देखी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सोनी, धन्यवाद।